उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के तत्वाधान में विद्युत चलित चाक वितरित का कार्यक्रम आगरा विकास भवन में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला ने 75 लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक चाक वितरित कर आत्मनिर्भर बनने को कहा। साथ ही प्रदेश में प्लास्टिक व चाइना से बने बर्तनों को खत्म करने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के मंत्री ओम प्रकाश गोला ने संजयपुर स्थित विकास भवन में पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा माटी कला बोर्ड की गठना 2018 में की गई थी, जिसमें आज समाज के लोगों को 75 लाभार्थियों को चाक देकर आत्मनिर्भर रहने को कहा। साथ ही देश से प्लास्टिक व चाइना से बने बर्तनों का बहिष्कार कर अपने चलन में माटी से बने बर्तनों के प्रयोग में लाने को कहा। ये बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और जो नुकसान प्लास्टिक से होता है वो मिट्टी के बर्तनों से नहीं होता। इसी के अलावा दिए वगैरह या बहुत सारी चीजें जो मतलब डेकोरेटिव आइटम, जैसा आपने देखा चीन का हमारे बाजार पर अतिक्रमण है, तो हम मिट्टी के डेकोरेटेड आइटम बना करके चीन के मार्केट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तरह से हमारे लिए चैलेंज है, हम दो चीज़ों को, प्लास्टिक के प्रयोग को और जो चाइना ने हमारे मार्केट पर अतिक्रमण किया है उसको हम लोग समाप्त करना चाहते हैं। शायद हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में मिट्टी के ही पात्र मिले, इसका मतलब है कि मिट्टी का काम बहुत पुराना है और मिट्टी के पात्रों के प्रयोग से हम कुपोषण या कैंसर जैसी बीमारियों को भी बता सकते हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट।